गाइस ऑटो प्ले के अंदर आखिर ऐसा है क्या कि हर बंदे को ऑटो प्ले भी चाहिए, हर प्लेयर कैरम पूल के अंदर ऑटो प्ले लेकर गेम प्ले करना चाहता है, सॉरी गेम प्ले करना नहीं चाहता बल्कि गेम प्ले देखना चाहता है। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स ऑटो प्ले यूज़ करते हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि यार तुम लोग कभी भी ग्राउंड के अंदर रहकर गेम खेलने वाले प्लेयर नहीं बन सकते, बल्कि तुम लोगों की औकात यह है कि तुम लोग सिर्फ मैच देखने वाले तमाशा ही बन सकते हो। गजब बेइज्जती है। और गाइज मज़े की बात यह है कि मैंने के लिए भी ऑटो प्ले को बंद नहीं कर पा रहा, इतना टाइम हो गया ऑटो प्ले चल रहा है गेम के अंदर लेकिन मैंने के लिए पूरे तरीके से नाकाम है ऑटो प्ले को बंद करने में। तो आज के स्टूडियो में हम लोग बहुत ही डीपली जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऑटो प्ले क्यों हो रहा है कैरम पूल के अंदर, लोग क्यों ऑटो प्ले यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले तो गाइज मैं आप लोगों को बता दूँ, ऑटो प्ले यूज़ करने के सिर्फ दो मोटिव्स हैं लोगों के, एक तो लोगों को मैचेस विन करने हैं और दूसरे नंबर पर लोगों को कॉइंस चाहिए गेम के अंदर, क्योंकि कैरम पूल के अंदर करने के लिए सिर्फ एक ही काम है और वो है गेम प्ले करना। गाइज अगर मिनी क्लिप फीचर में कुछ इस तरीके की अपडेट्स देता है जिनमें गेम प्ले के अलावा भी कैरम पूल के अंदर करने को और कुछ होगा तो यकीनन कैरम पूल ऑटो प्ले से छुटकारा पा सकता है। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं, मैं बातें नहीं कर रहा हूं बल्कि मैं आप लोगों को प्रूफ भी दिखाऊंगा। एग्जांपल कुछ इस तरीके से है कि अगर अभी हम लोग कैरम पूल ओपन करते हैं तो हमारे पास करने को कुछ भी नहीं है, सिर्फ हम गेम प्ले ही कर सकते हैं और गेम प्ले के अंदर आते हैं ऑटो प्ले यूजर्स। अगर यहीं पर कुछ छोटी मोटी मिनी गेम्स कुछ हमारे लिए मतलब गेम प्ले के अलावा करने को और कुछ होगा तो यकीनन जो है ना इसका फ़ायदा होगा कैरम पूल को। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे गेम्स के अंदर एक फीचर होता है, अगर आप कुछ दिन तक गेम के अंदर ऑनलाइन नहीं आते तो उसके बाद आपको वीकली रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं। यहाँ पर आप चेक करें, ये भी कैरम की गेम है, यहाँ पर वीकली रिवॉर्ड्स में 7 दिन अगर आप गेम लॉगिन करेंगे तो आपको 2 पक्ष 2 अवतार 1 फ्रेम 1 स्ट्राइकर और 1 बोर्ड का जो है ना वो थीम आपको दिया जा रहा है बिल्कुल फ्री के अंदर। इतने सारे रिवॉर्ड हर दिन आप गेम लॉगिन करेंगे तो आपको ये इनमें से एक रिवॉर्ड मिलता जाएगा। इसके अलावा ये स्पिन है, ये हर दिन आपको 1 स्पिन फ्री में मिलेगा, प्लस आप यहाँ पर वीडियो एड देखकर भी ये स्पिन जो है ना वो फ्री में यूज़ कर सकते हैं जिससे आपको कॉइन्स और भी बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। इसके अलावा भी गाइज बहुत सारी कैरम गेम्स, तकरीबन जितनी भी प्ले स्टोर पर कैरम की गेम्स हैं उनमें से 70-80% गेम्स के अंदर एक फ़ीचर हमें देखने को मिलता है और वो फीचर है लेवल्स का। जी हाँ गाइस, जितनी भी कैरम की गेम्स हैं उन सभी के अंदर लेवल्स का एक फीचर देखने को मिलता है जिसमें हमें कोई ऑनलाइन गेम प्ले करने की ज़रूरत नहीं पड़ती किसी ओपोनेंट के साथ, मतलब ऑनलाइन तो होती है लेकिन किसी ओपोनेंट के साथ गेम प्ले करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें जो है बस कुछ यहाँ पर डिस्क वगैरह की पोजीशन बहुत ही डिफ़िकल्ट ही जाती है, हमें उनको पोर्ट करना होता है और अगर हम उनको सक्सेसफुल पोर्ट कर लेते हैं तो हमें जो है यहाँ पर से कुछ कॉइन्स जेम्स भी दिए जाते हैं और यहाँ पर लोगों का इंटरेस्ट भी बना रहता है। और मज़े की बात यह है कि यहाँ पर ऑटो प्ले का भी कोई मतलब ख़तरा नहीं है। ये दूसरा कैरम का गेम देख लें, यहाँ पर भी देखें स्पिन का ऑप्शन है। ये तो था गाइज नॉर्मल स्पिन, अभी आप ये वाला स्पिन चेक करें जिसके अंदर हमें सभी के सभी स्ट्राइकर्स देखने को मिलते हैं और इनमें से एक स्ट्राइकर आपको बिल्कुल फ्री के अंदर भी मिल जाएगा। अब गाइज आप लोग ही सोचें, अगर गेम के अंदर आप लोगों के पास करने को बहुत कुछ होगा मतलब तो आपको गेम प्ले करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका वैसे भी टाइम पास हो जाया करेगा गेम के अंदर। यहाँ पर नॉर्मल जितने भी मोड्स हैं फ्री स्टाइल कैरम मोड डिस्क मोड ये सभी हमें देखने को मिल जाते हैं सभी गेम्स के अंदर। यहाँ पर जैसे कि कैरम पूल के अंदर लकी बॉक्स वाला सिस्टम है तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग करके भी लकी बॉक्स भी हमें हर गेम के अंदर देखने को मिल जाता है। गाइज मेरे कहने का ये बिल्कुल भी मकसद नहीं है कि ये सारी गेम्स कैरम पूल से अच्छी हैं, नहीं यार इन गेम्स का क्या मुकाबला कैरम पूल से, क्योंकि कैरम पूल अपने आप में वन ऑफ द बेस्ट गेम है अभी भी, लेकिन ऑटो प्ले ने पूरा काम ख़राब करके रखा हुआ है। लेकिन गाइज अगर ये लेवल्स वाले फीचर्स जो हैं वो कैरम पूल के अंदर आ जाते हैं, हमें सिर्फ कुछ डिफिकल्ट पोजीशन से डिस्क को पोर्ट करना होता है, कुछ चांसेस भी होते हैं हमारे पास, अगर हम उन इस मतलब लेवल को क्लियर कर लेते हैं तो हमें इसके बदले में कुछ कॉइन्स जेम्स वगैरह कुछ रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं। क्योंकि कैरम पूल के अंदर प्लेयर्स को कॉइन्स की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और जिसकी वजह से बहुत सारे प्लेयर्स गेम छोड़कर भी चले जाते हैं, लेकिन इस तरीके के अगर कॉइन्स के रिवॉर्ड्स वगैरह हमें मिलते रहें तो भाई मतलब बंदों को कॉइन्स की बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इसके अलावा एक यूनिक फीचर है टूर्नामेंट का। मेरे ख्याल से जितनी भी ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम्स हैं उनके अंदर अगर टूर्नामेंट का फीचर ना हो तो वो गेम अधूरी है। और भाई मैं तो कब का चीख चीख कर थक गया हूँ कि भाई कैरम पूल के अंदर टूर्नामेंट का मतलब जो फीचर है वो आना चाहिए, लेकिन यार मेरे ख्याल से जब तक कैरम पूल के अंदर टूर्नामेंट नहीं आता कैरम पूल अधूरा ही रहेगा। बाकी यार अगर आप लोग मेरी बात से एग्री करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके एक अच्छा सा कॉमेंट ज़रूर करना, हो सकता है मिनी क्लिप वाले इस वीडियो के कमेंट्स भी पढ़ें। बाकी यार आज के इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।